जिंदगी की जंग हारे अटल, धौलपुर। भारत रत्न एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नाजुक स्थिति होने पर धौलपुर जिले भर में आज सुबह से ही दुआओं का दौर चलता रहा। मंदिरों देवालयों में हवन यज्ञ कर स्वस्थ होने की कामना की एवं मस्जिदों गिरजाघरों आदि में भी उनके स्वस्थ होने की लोगों ने दुआ की, लेकिन लोगों की दुआ काम नहीं आई और आज शाम को दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। गौरतलब है कि पिछले लंबे समय से देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत खराब चल रही थी, जिनका उपचार एम्स संस्था द्वारा किया जा रहा था। 15 अगस्त को अचानक तबीयत अधिक बिगड़ गई, जिससे उन्हें जीवन रक्षा प्रणाली पर रखा गया है। प्रेस टुडे परिवार की ओर से उनको श्रद्धांजलि दी गई। धौलपुर जिले की बाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 अगस्त 2018 को 9 वर्षीय बालक के साथ किए गए कुकर्म के आरोपी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक ने बच्चे को बैला फुसलाकर ले गया और उसको नशीला पदार्थ सुंघाकर बाड़ी कस्बे की कैसी उपज मंडी में गिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। बाड़ी थाना के उप निरीक्षक महेंद्र शर्मा ने बताया कि बाड़ी कस्बा निवासी एक युवक ने 10 अगस्त 2018 को मामला दर्ज कराया था कि पीड़ित युवक ठेला लगाकर दुकान चला है। पीड़ित का 9 वर्षीय बालक ठेला पर पिता को मोबाइल देने जा रहा था, लेकिन रास्ते में बाड़ी कस्बा के गुम्मट मोहल्ला निवासी 21 वर्षीय बूरा उर्फ बचन सिंह पुत्र भगवान सिंह उसके बच्चे को बैवला फुसलाकर कृषि उपज मंडी ले गया, जहां आरोपी ने बच्चे से मोबाइल छीन लिया और बच्चे को नशीला पदार्थ सुंघाकर मंडी में सुनसान स्थान पर कुकर्म की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर 9 वर्षीय नाबालिग बालक का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराया। पुलिस ने सीआरपी की धारा 164 में स्वतंत्र गवाह के कलमबंद बयान दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया, जिसमें गुरुवार को आरोपी बूरा उर्फ बचन सिंह की मुखबिर की सूचना पर दबोच लिया। आरोपी ने इकबालिया जुर्म कबूल कर लिया है, जिसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। 10 अगस्त 2018 को प्रेम सिंह प्रजापत निवासी बाड़ी ने थाने पर आकर मुकदमा दर्ज कराया कि उसके 9 वर्षीय बालक जो कि घर से उसके खेल की दुकान पर मोबाइल लेने आ रहा था, उसको एक व्यक्ति ट्रेन के सहारे पकड़ कर ले गया और मंडी कमेटी के पीछे जाकर कृषि मंडी के पीछे जाकर उसके साथ गलत काम किया और मोबाइल छीन कर ले गया। इस पर मुकदमा दर्ज करके बच्चे का मेडिकल कराया गया, बयान लिए गए, स्वतंत्र गवाह के बयान लिए गए, 164 सीआरपी के बयान कराए गए। इसके पश्चात आज दिनांक 16 अगस्त को बच्चन सिंह करेरा निवासी बाड़ी को गिरफ्तार बापड़दा गिरफ्तार किया गया, जिसकी कार्रवाई सेनाती कराई गई। धौलपुर जिले के NH-3 पर मचकुंड चौराहे पर एक बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। हादसा उस वक्त हुआ जब उत्तर प्रदेश के आगरा जिला निवासी 24 वर्षीय रामू पुत्र महेश चंद्र बाइक से अपनी बहन को लेने के लिए मध्य प्रदेश के मुरैना जा रहा था, तभी धौलपुर शहर के NH-3 पर मचकुंड चौराहे पर एक बेकाबू ट्रक ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद चालक ट्रक को लेकर फरार हो गया। वहीं हादसे में युवक का एक हाथ और एक पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया है। घायल का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। यहाँ बाटरवाल चौराहे पर एक मोटरसाइकिल वाला आया था अकेला था, मोटरसाइकिल पर TVS कंपनी की मोटरसाइकिल थी, जो पीछे से व्यक्तिगत ट्रक आया था उसके पीछे से टक्कर मारी, एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद में हमने इंजर्ड को हॉस्पिटल भर्ती करा दिया सरकारी हॉस्पिटल में और मोटरसाइकिल हमने उस वाली भिजवा दी। ITI के छात्रों को प्रिंसिपल ने परीक्षा से किया वंचित, आक्रोशित छात्रों ने जमकर किया हंगामा। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड में गुरुवार को सुबह 9:30 बजे शुरू होने वाली ITI 4 सेमेस्टर की ड्राइंग की परीक्षा में समय पर पहुंचे छात्रों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। 2 दर्जन से अधिक छात्रों ने संस्था प्रधान से काफी गुहार लगाई, लेकिन संस्था प्रधान ने गेट का ताला बंद कर परीक्षा से बेदखल कर दिया। हताश छात्र पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां से SDM कार्यालय भेज दिया, लेकिन SDM ऑफिस में नहीं मिलने पर छात्र दोबारा कॉलेज पहुंच गए, जहां छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्र रजत कुमार ने बताया कि आज सुबह सैपा उपखंड मुख्यालय के सरकारी ITI कॉलेज स्थित 4 सेमेस्टर ड्राइंग की परीक्षा होनी थी, जिसका समय सुबह 9:30 बजे निर्धारित था।
करीब 2 दर्जन छात्र सुबह 9:25 पर परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए, जहां केंद्र पर ताला लटका हुआ मिला। छात्रों ने गेट पर मौजूद कर्मचारी से परीक्षा में शामिल होने की बात रखी तो गेट खोलने से मना कर दिया। छात्रों ने विरोध किया तो गेट कीपर प्रिंसिपल को बुला लाया। छात्रों ने परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए गुहार लगाई, लेकिन संस्था प्रधान ने समय पर नहीं आने का हवाला देकर परीक्षा से वंचित कर दिया। अर्थात छात्र पास में स्थित सीओ ऑफिस पहुंचे, जहां से पुलिस थाने भेज दिया। पुलिस थाना स्टाफ ने एसडीएम ऑफिस भेज दिया, जहां साहब ऑफिस में नहीं मिले। हताश छात्र फिर से आईटीआई कॉलेज पहुंच गए, जहां छात्रों का गुस्सा फूट गया और शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर हंगामा। धौलपुर जिले के सैपऊ उपखंड स्थित कोल्ड स्टोरेज पर शहीदों के सम्मान में 200 पौधों का रोपण किया गया। उपखंड अधिकारी विनोद मीणा एवं बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने मौके पर पहुंचकर पौधारोपण कर कोल्ड स्टोरेज संचालक महेंद्र परमार द्वारा शहीदों के सम्मान में की गई इस अनूठी पहल की प्रशंसा की। एसडीएम विनोद मीणा ने उपस्थित लोगों को संदेश देते हुए बताया कि हमें अपने जीवन में कम से कम 5 पौधे लगाने का संकल्प लेने के लिए कहा। विधायक मलिंगा ने कहा कि पेड़ हमारे वातावरण की हानिकारक गैस कार्बन डाइऑक्साइड को कर प्राणवायु ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं और इस मशीनी युग में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण से बचने के लिए पेड़ों का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही पेड़ वर्षा में भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। पौधों का रोपण करने के साथ ही समय समय पर देखभाल भी जरूरी है। आज हमने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमने विनोद मीणा जी एसडीएम साहब और गिरिराज सिंह मलिंगा जी सामसिंग में 200 पेड़ों का वृक्षारोपण किया है, जिससे देश के लिए धौलपुर जिले से बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का 45 सदस्यीय दल आज हुआ रवाना। दल को विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष ओमबीर सिंह गुर्जर एवं उपाध्यक्ष लेखराज परियार के द्वारा स्वागत कर मनोज सोनी जिला संयोजक बजरंग दल के नेतृत्व में जम्मू के लिए रवाना किया गया। दल में ऐदल सिंह, विजय सक्सेना, कार्तिकी सक्सेना, राहुल सेन, सुनील मित्तल, देवेंद्र शर्मा, सूरज माहौर, विनोद राठौर, मोनू शर्मा, सचिन शर्मा, दिवारी लाल, जैकी सोनी, रामू शर्मा, अंशु अग्रवाल, मोहन जाट, रोहित राजपूत आदि थे।